नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं UNN मीडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 49 ऐप बैन करने का ऐलान कर दिया है। उनमें से सबसे ज्यादा झटका किसी ऐप ने दिया है तो वो है टिकटॉक। जी हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला कोई ऐप है तो वो है टिकटॉक। खैर, हमारे इंडस्ट्री के काफी खूबसूरत अदाकारा भी इस ऐप पे मौजूद थी, उनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, उनकी आईडी वेरीफाइड थी, तो उन्हें इस बात से कितना फर्क पड़ा, तो आइए उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं भोजपुरी की क्वीन रानी चैटर्जी से, तो आइए देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ रानी। और टिकटॉक बैन हो गया है, सो काफ़ी लोग इस पर मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। सो सिंपल सी बात है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बुरा हो उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार ने ये फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ सोच समझ करके लिया होगा। साथ ही साथ कई सारे ऐप को उन्होंने बैन किया है। ये मत कहिए कि टिकटॉक को बैन किया है, चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। मैं खुद टिकटॉक पर काफ़ी वीडियोस बनाती थी, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे उस पर। वहाँ पर मैंने कई सारे टैलेंटेड लोगों को देखा, टैलेंटेड लोगों से मिली। मैं सिर्फ थोड़ा सा अगर हल्का सा मुझे बुरा लगा तो बस उन टैलेंटेड लोगों के लिए लगा, खास करके जो फीमेल्स थी। बट मैं उन टैलेंटेड लोगों से कहना चाहूँगी कि ये मत समझिए कि आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म छीन लिया गया है। जो टैलेंटेड होते हैं वो अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाते हैं। सो आप लोग एंटरटेनर हैं, ऑल द बेस्ट। रानी जी, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत रखती हूँ। जो हमारे देश के लिए बुरा है उसे हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है, और मैं और हमारी टीम पूरी तरीके से इसका समर्थन करती है। हम इंडियन गवर्नमेंट का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। खैर, दूसरे वीडियो में देखना ना भूले बाकी स्टार्स का इस पर क्या राय है। अभी आपसे अलविदा लेते हैं और जाते जाते आपको रानी जी की कुछ वायरल वीडियो दिखा के जाते हैं, तो ये देखिए वीडियो। वो तेरा कहना कि मैं हूँ जिंदगी तेरी, वो मेरा तुझको समझना जिंदगी मेरी, क्या पता था छोड़ देगा तू मुझे उस पल, पूरी हो जा। तो फूल है चमन का मैं करीबा।